पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और हम लोगों को इतना पसंद आएंगे, तो वो नहीं सोचा था। हाँ वो नहीं सोचा तो मैंने रौनित के पूरे बॉडी में, मेरे पूरे नाखूनों के निशान थे, बिकॉज वो मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी महबूबा, ये मेरा फेवरेट है। सो दिव्या भारती जी का जाना तो बहुत पेनफुल था। हम हमेशा उनको याद रहेंगे, जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तब तक दिव्या भारती हमारे द जहन में ज़रूर रहेंगी। मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट गॉर्जियस एंड ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स कमिंग दिस फ्रॉम अ गॉर्जियस लेडी हरसेल्फ। एंड अब बात करते हैं आपके दूसरे काफ़ी ज़्यादा सराहे जाने वाले को स्टार, जिसको फैंस ने बहुत पसंद किया था। दूसरे कौन? आप ही बताइए। आर सिन्हा में उनका रौनक, जी वो दूसरे नहीं है एक्चुअली, पहले क्वेश्चन है। पहले है, लेकिन अक्षय के बारे में भी बात कर लिया तो उस हाँ लहजे से ही बिकॉज दूसरे हाँ हुए। हाँ सो आई या यू डिड योर फर्स्ट डेब्यू फिल्म विद फर्स्ट हिम। फिल्म विथ हिम, सेकेंड फिल्म विथ हिम, देन तहकीकात ऑल्सो विथ हिम, सो वी हैव डन थ्री फिल्म्स टुगेदर। आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया, लेकिन क्या हुआ कि 3 फिल्मों के बाद फिर इस जोड़ी पे ब्रेक लग गया? देन ऐसे होता है ना कि आई स्टार्टेड गेटिंग मूवीज विद अदर एक्टर्स, ओके जैसे अविनाश वाधवान, देन आपकी, देन अयुब खान, तो ये सारे थे ही ना उस जमाने के हीरोज, सो ऑब्वियसली इवन ही गॉट मूवीज विद अदर हीरोइंस। राइट राइट। लेकिन तब का ये जमाना था 90s में कि एक जोड़ी जब हिट होती थी तो बैक हाँ टू बैक उसी बैक टू जोड़ी। बैक, इसलिए बिकॉज वो हिट होने के बाद लोगों को, एक तो गाने इतने अच्छे हिट थे उस फिल्म के, केमिस्ट्री हाँ दिखती थी, तो वाह, लोगों को उस टाइम का, आई थिंक मी एंड रौनक वी मेड अ बेस्ट जोड़ी ऑन स्क्रीन। दैट इज ट्रू। या और आपको लगा था कि फिल्म के गाने इतने हिट होंगे? जब हम वो मूवी की शूटिंग भी हो रही थी तो ये नहीं पता था ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट होगी। क्या बात है। गाने तो हमें बहुत मज़ा आता था, गाने बहुत अच्छे थे क्योंकि नदीम श्रवण की म्यूजिक थी, तो गाने एवरग्रीन अमेजिंग सॉन्ग्स, बट पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी और हम लोगों को इतना पसंद आएंगे, तो वो नहीं सोचा सोचा था। हाँ वो नहीं अब फिल्म में जो एक गाना है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे सोचा। लव हो दैट गया, इज वो गाना कितना आपको पसंद है वो गाना? मुझे तो इसके सारे गाने पसंद है। जी आई स्टिल गो फॉर अ वॉक एंड होता है ना आई गो बैक टू मेमोरीज, तो मैं वो लगा के एंड मुझे नॉस्टैल्जिया होता है, तो आई जस्ट लव इट। सो पहली फिल्म जो आपकी ये थी उस पर आप मुझे बताइए कि पहला सीन कौन सा था? फर्स्ट डे शूट पे पहला कौन सा सीन आपने शूट किया आई था? डोंट यू डोंट रिमेम्बर, रिमेम्बर दैट? मुझे सिर्फ, मैंने कहा ना वो मुहूर्त शॉट जो दिया पसंद था वो याद है मुझे, बट मेरे को इतना याद है थोड़ा सा, आई रिमेम्बर वी डिड कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, दैट जी, सॉन्ग, लवली ऐसा मुझे सॉन्ग, याद है। लवली फिर सॉन्ग। सीन्स तो होते होंगे इधर उधर किया होगा, बट आई रिमेम्बर हमने पहला शेड्यूल सिलवासा में किया था, अच्छा तो सिलवासा में ये गाना शूट हुआ था, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो जिसमें मैंने पहली बार अपनी लाइफ में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना था, और आई स्टिल रिमेम्बर जब वो पानी में गिरने का, क्योंकि स्विमिंग पता ही नहीं था, स्विमिंग आती नहीं थी, हाँ तो मैंने रौनित के पूरे बॉडी में, मेरे पूरे नाखूनों के निशान थे, बिकॉज वो गिरने का शॉट था, मैं ठीक हाँ कस के उसको पकड़ती थी कि उसको भी डुबाती थी खुद। सो दोज वर द मोमेंट्स, सो मेमोरीज है। हाँ या सो फिल्म में आपका कोई ऐसा फेवरेट यू नो कोई मेमोरी, सीन कोई है सीन जो आपको बहुत मजा आया करके? मेरे को गाने, मतलब मुझे गाने और जितने भी गाने हुए, हम लाख छुपाए प्यार मगर रोने न ओ लवली दीजिएगा, ब्यूटीफुल सॉन्ग, थोड़ा गुनगुना लीजिए। मेरा फेवरेट है, मैंने ये दिल तुमको दिया, ओ मेरी महबूबा, ये मेरा फेवरेट है। लवली सो आई सॉन्ग, एंजॉयड डूइंग द सॉन्ग्स, डांसेस, रोमांसिंग ऑन स्क्रीन विद हिम, तो वो मुझे अच्छा लगा। सीन्स तो नॉर्मली कॉलेज गोइंग गर्ल का सीन था, तो कोई भी सीन ऐसा कोई चैलेंजिंग सीन नहीं था कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया, ऐसा नहीं था, नेचुरली बस छोटा मोटा अच्छे सीन्स थे, जी। बट जो गाने में एलिमेंट्स थे और बहुत, उसका मज़ा ही कुछ और था। अच्छा वैसे आपने एक्टिंग की तालीम नहीं ली है ना, नहीं ना तो यू आर मैंने ली ना नेचुरल मेरे एक्टर, बेटे ने लिया। यहाँ क्या बात मैंने है। कहा ना जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत सो ये बॉर्न क्रिएटिव। है। तो बस शायद वो कहते हैं ना, मैं जब मैनिफेस्ट करते हो आप कोई चीज़ को बहुत, तो वो आ जी, जाती है सामने, शिद्दत से किसी चीज़ को शिद्दत से। चाहो तो हाँ आपकी हो जाती है। हाँ तो रॉनी रॉय के साथ आपने 3 फिल्में की तीन एंड तीन मैं तीनों हिट तीन फिल्में थी। तीन की चार कह रहा हूँ, तीन की तहकीकात, जान तेरे नाम, सैनिक, आई थिंक सो थिंक। तो उसके बाद फिर जो है रॉनित रॉय का करियर कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ चलता गया। आपको क्या लगता है, आपने उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया है, ऐसा हम क्यों हुआ सिर्फ को होगा? स्टार्स थे, नज़दीकी में मीन्स हम सिर्फ को स्टार्स थे, शूटिंग पे आए, हेलो कैसे हैं आप, शॉट दिया, काम किया, एक दूसरे के सीन्स में अलग, वो ज़माना ही ऐसा था। पर जैसे आपने बताया कि अक्षय के साथ आप बहुत घुलती मिलती थी, अक्षय बहुत के साथ मैंने कहा ना अक्षय खुद वैसा था, अच्छा अक्षय
जैसे मैंने कहा लक्ष्मीकांत बिड्डे, गुड्डी मारुति, ये सारे बैठते थे, तो अक्की उनके बीच में बैठ के खूब इंजॉय करता था, चाहे मैं हूँ, अश्विनी भावे ना हो, वो उनके साथ भी जेल करके एक माहौल क्रिएट करता था. वो बंदा ऐसा है, he's a charmer. एंड देन ही नेवर, आई डोंट थिंक सो, आज तक भी वो अपने पुराने कोस्टास को मिलेगा, ही विल मेक देम फील द सेम, जो मुझे ऐसा लगता है. सो रौनित के साथ ऐसे था कि हाँ, ही वॉज ऑलवेज वेरी इंट्रोवर्ट. शूटिंग पे आना, सेट पे अपना काम करना, दैट्स इट, ऐसे ही था. सो रौनित रॉय वॉज मोर सीरियस, काम से काम. मुझे हाँ, वो टाइम पे ऐसे ही हमारा था, काम से काम एंड दैट्स इट. सो तीन फिल्में करने के बाद भी थोड़ा भी फ्रेंडशिप फ्लरिश नहीं हो पाया? नथिंग लाइक दैट, नो. मुहूर्त शॉर्ट से तीन मूवीज तक का, आई डोंट नो अबाउट हिम मच. पर ये बात अगर ऑडियंस जानेंगे तो काफी शॉक हो जाएगी कि आपका जो बॉन्डिंग है उसमें, हाँ, सिनेमा में, दैट मींस वी आर गुड एक्टर्स ना, है ना? कि मतलब गुड एक्टर, हाँ, इतना पसंदीदा जोड़ी है. हम बात नहीं करते थे एक दूसरे के साथ, द मोमेंट कैमरा होता था एंड देन वी यूज्ड टू रोमांस, यूज्ड टू लाइक, जो भी डायलॉग होते थे वो इतनी शिद्दत से हम एक दूसरे को डिलीवर करते थे, तो वो बहुत केमिस्ट्री अच्छी होती थी. क्या बात, तो इसका मतलब हम दोनों एक्टर्स अच्छे थे, बेहतरीन एक्टर्स फॉर श्योर. सो जब उनका डाउनफॉल रौनित रॉय का, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत फिल्में साइन कर ली थी. नो कॉमेंट्स फॉर श्योर, बट ऑफकोर्स लाइक आई वुडंट कॉमेंट ऑन समबडीज करियर, सो राइट. बट मैं एज एन ऑडियंस कह सकती हूँ कि बैक टू बैक उनकी फिल्में जो है फ्लॉप हो रही थी कहीं ना कहीं. ऑफकोर्स वो बेहतरीन एक्टर है, क्योंकि मैंने हीरोइन थी ना, इसलिए. देयर यू गो, अगर मैं हीरोइन होती इस फिल्म की, शायद आई एम श्योर वो भी हिट होती. क्या बात है, रौनित रॉय, यू हैव टू लिसन टू दिस. नो रौनित, आई एम जस्ट किडिंग. या तो ऐसे था, या सो आई डोंट नो अबाउट हिज करियर, लाइक व्हाट मूवीज ही चोज और व्हाट ही डिड, बिकॉज मैंने कहा जब जानते रहे नाम रिलीज हुई तो हिट हो गए थे, मुझे बहुत फिल्में मिली, मुझे साउथ में बहुत फिल्में मिली. लाइक मैंने कहा, मैंने तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ा सारी मूवीज़ की है विद ऑल द बिग स्टार्स. तो इतना मसरूफ थे, पैसे बहुत मिलते थे वहाँ पे साउथ में, साउथ में बहुत पैसे मिलते थे. फिर हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ खरीदी. उस ज़माने में लोखंडवाला में 12-15 लाख में फ्लैट मिलता था, 2-बेडरूम हॉल का. तो ऐसे करके हम पैसे कमाते थे और प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे. तो यू नो, वो जो धुन था कि यार, यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू बाय अ हाउस फॉर योर सेल्फ, बाय अ कार फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही घर चलाना है, खुद ही सब करना है, पापा से कब तक लेते रहे. फर्स्ट कार कब खरीदी आपने? फर्स्ट कार मैंने खरीदी थी जानते रहे नाम के वक्त ही, जब मुझे इंस्टॉलमेंट मिला था. क्या बात है, तो हमने इंस्टॉलमेंट पे ही थी, और वो भी सेकेंड हैंड थी, मारुति 800 जो भी है, तो वो भी सेकेंड हैंड थी, 85,000 की. हाँ, तो वो भी इंस्टॉलमेंट पे ली थी. वो अच्छी फीलिंग आई होगी ना, दैट कार वॉज लाइक, यहाँ राइट.